अभिभाषक संघ ब्यावर चुनाव 2022 के तहत नाम वापसी प्रक्रिया के संपन्न होने के पश्चात साफ हुई चुनावी तस्वीर के बाद विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी मतदाताओं से संपर्क कर स्वयं के पक्ष में मतदान करने की मान मनोहार करते हुए दिखाई देने लगे हैं। हालांकि हाईटेक हुए प्रचार प्रसार के तहत प्रत्याशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी चुनाव प्रचार करते हुए मतदाताओं से अपील कर रहे हैं, लेकिन आमने सामने की मुलाकात को तवज्जो देते हुए व्यक्तिगत रूप से भी मतदाताओं से मुलाकात की जा रही है। मुलाकात के दौरान प्रत्याशी मतदाताओं से आपनो ध्यान रख जो और थे तो मारा ही हो पर एक बार मिलनो तो परसी आदि वाक्यों का भी उपयोग कर रहे हैं। मालूम हो कि अभिभाषक संघ ब्यावर के विभिन्न पदों के लिए 9 दिसंबर को मतदान होगा। चुनावों में अध्यक्ष पद पर नरपत सिंह, टीकम सिंह चौहान तथा रामिंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष पद के लिए विजय पारिक, रविंद्र कुमार मर्दवाल, संजय नाहर तथा राकेश प्रजापति, सचिव पद पर नरेंद्र कुमार शर्मा, तुषार दुबे तथा ऋषिराज सिंह, सचिव पद पर मुकेश लखन तथा सुनील दुबे, कोषाध्यक्ष पद पर बलवंत सिंह तथा मुकेश चटिया, पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र शर्मा तथा महेंद्र सिंह रावत के बीच मुकाबला है। इसी प्रकार कार्यकारिणी सदस्य के रूप में अविनाश खाटवा, रवि कुमार टाग, ताराचंद मकवाना, विकिशन कुमार चावरिया, राजेश बंसल, विकल्प मिश्रा, ब्रजमोहन चौधरी, वीरेंद्र कुमार गौड़, नीलेश बुरर तथा श्रीमती मोनिका वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। बार संघ अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौर ने बताया कि 9 दिसंबर को चुनाव प्रक्रिया के दौरान सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान संपन्न होगा। इस दौरान समस्त मतदाता बार काउंसिल की ओर से जारी परिचय पत्र के साथ मतदान कर सकेंगे। आगामी चुनाव 9 दिसंबर 2022 को आयोजित होने हैं। इन चुनाव में अध्यक्ष पद पर टीकम सिंह जी रावत, नरपत सिंह जी रावत और रामेंद्र जी शर्मा हैं। उपाध्यक्ष पे विजय पारिक और राकेश प्रजापति, रविंद्र मेड़तवाल है पद पर, और सचिव पर नरेंद्र शर्मा, ऋषिराज चौहान और तुषार दुबे लड़ रहे हैं। 9 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। उसके पश्चात शाम को मतगणना होगी और उसी दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा।